मेरा नाम रूना घोष है, मैं दीनानाथ हाई स्कूल से हूँ। यहाँ हम अपने बच्चों को लेकर आए हैं, जहाँ यहाँ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स बताए गए हैं, एक्टिविटीज़ कंडक्ट की गई हैं, और साथ में यहाँ इतने अच्छे मॉडल्स बताए गए हैं जिससे बच्चों को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस मिलता है उनको देखकर और उनको समझकर कि एग्जैक्टली उसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है। लॉस समझ में आ रहे हैं बच्चों को, जो वो सिर्फ अब तक पढ़ रहे थे बुक्स में, यहाँ आकर उनके कई डाउट्स भी क्लियर हुए हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसे बहुत सारे हमें ऑर्गेनाइज करने चाहिए एग्जीबिशंस, प्लस इस तरह के प्रोजेक्ट्स और आने चाहिए, और इस तरह से बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए कि हर एक चीज़ को वो कैसे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करें और प्रैक्टिकली लोगों तक पहुँचाएँ। तो इससे उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन होता है और वो इसको अप्लाई भी कर सकते हैं फ्यूचर में कई एक्सपेरिमेंट्स में। और एज अ साइंटिस्ट मैं सोचती हूँ कि एक बहुत अच्छा एक मतलब प्लेटफॉर्म है कि नए साइंटिस्ट यहाँ पे पनप सके। तो मैं मानती हूँ कि ऐसे बहुत सारे हमें ऑर्गेनाइज करते रहने चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि बच्चों को हम अवेयर कर सकें, साइंस के लिए उनको जागरूक कर सकें। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उन सबके। My name is Shreya Ratnakosh Karwade. I am studying in 9th class. My school name is Barrister Shishra Vankhede. ये इस साल मेरा फर्स्ट ईयर है यहाँ पे आने का। पहले मैं दूसरे स्कूल में थी, अभी मैं बैरिस्टर शिश्रा वानखेड़े में आई हूँ और मैम ने मुझे यहाँ लाई। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मुझे बहुत नया नया सीखने भी मिला है और बहुत अच्छा भी लगा यहाँ पे आके। मेरा प्रोजेक्ट का नाम है वृत्त संबंधित मूलभूत जानकारी। हाँ, जो सर्कल की प्रॉपर्टीज़ है, सेंटर से एंडिंग तक ज्वाइन किया तो वो रेडियस होता है, और सर्कल के टू एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन किया तो कॉर्ड होता है, और सर्कल के टू पार्ट्स किए तो उसका डायमीटर होता है, और सर्कल में कुछ एंगल्स भी बनते हैं जैसे कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल। ये सर्कल की पूरी प्रॉपर्टीज़ है जो मैंने अभी आपको शो की। उनके लिए मैं थैंक यू बोलूँगी, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है और उन्होंने हमके लिए नया नया सीखने के लिए कुछ जो उन्होंने हमको प्रोजेक्ट बताए हैं वो बहुत ही अच्छे थे। मैं उनके लिए बहुत थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने ऐसा एक प्रोग्राम किया जो जिसमें हमें कुछ नया सीखने मिला है। नहीं तो कुछ प्रोग्राम में जाते हैं तो कुछ सीखने नहीं मिलता है, यहाँ पर हमें बहुत कुछ नया सीखने मिला है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ज्योति मणि रॉक है। मैं दीनानाथ जूनियर कॉलेज एंड हाई स्कूल धंतोली में पढ़ाती हूँ। आज हमारे 9th और 10th स्टैंडर्ड के यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, एंड उनको जो एक लर्निंग हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस मिला वो एक बहुत बड़ी बात है। बच्चों को हम सिर्फ बुक से पढ़ाते हैं, लेकिन आज उन्हें खुद करने मिला, यानी एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली करने मिला। उसके लिए बच्चों को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। लाइव यहाँ पे बच्चों ने हार्ट का फंक्शनिंग देखा और ब्रेन का फंक्शनिंग, फिर सबसे अच्छा मुझे सिंपल तरीके से, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो छोटे छोटे चीज़, जैसे एक बच्ची ने बताया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एक छोटा सिर्फ बॉल और स्ट्रॉ के माध्यम से उसने इतनी अच्छी सुंदर तरीके से एक्सपेरिमेंट्स बताया कि वो बच्चों के सीधे लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा, वो कभी भी भूलेंगे नहीं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। तो और ऐसे हमारे बच्चे भी आई एम श्योर कि वो अपने अपने स्कूल में जाके ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और ये सबसे अच्छी बात होगी। तो अपूर्व विज्ञान मेला को बहुत बहुत थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम जावेद आलम हुआ, मैं कोऑर्डिनेटर नेचर क्लब ऑफ इंडिया पटना बिहार से आया। यहाँ तीन एक्टिविटी लेके आया हूँ मैं, एक वर्मी कंपोस्टिंग, दूसरा जल कृषि, दूसरा प्रकृति अध्ययन। इस मेले में मैं पिछले 25 सालों से आ रहा हूँ और बच्चों के साथ जो कुछ सीखा है, समझा है, जाना है, किया है, उसको शेयर करता हूँ मैं। बच्चे कुछ सीखता भी हूँ, सिखाता भी हूँ, शेयर भी करता हूँ। ये मेला मेरे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है, हर वक्त कुछ नए चीज़ सीखने को, सिखाने के लिए, और बहुत सी बात जान समझ के उस समस्या को समाधान करने के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ सुरेश अग्रवाल सर का,
जो मुझे मौका दिया है उन्होंने, हर साल देते हैं, मैं आता हूँ और यहाँ से लाभ होकर जाता हूँ। ये मेला अपने आप में बहुत ही रोचक और बहुत ही सैद्धांतिक है, उस बात को साइंस के बारे में समझने के लिए, जानने के लिए और देखने के लिए भी। मेरा नाम राज नारायण राजौरिया है, मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले से इधर आ रहा हूँ। इस मेले में आते आते मुझे 12-14 साल हो गए और प्रतिवर्ष मैं इस मेले में गणित की एक एक्टिविटी लेकर सहभागिता करता हूं और एक्टिविटी हमारी बच्चों को देखने में बड़ी आनंददायक आती है, फन विद एक्टिविटी रहती हैं। बच्चे करिकुलम बेस अपने स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन जब मेले में किसी में आते हैं तो उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटी मिलना चाहिए। साइंस की देखिए क्या फ़नी एक्टिविटी होती हैं, इसी तरह से हमारी मैथमेटिक्स की एक्टिविटी ऐसी हो जो बच्चों को मज़ेदार कुछ गतिविधियाँ लगें। इस तरह की गतिविधियाँ हमने यहाँ पर कुछ बना के रखी हैं और उनको हम एक्सप्लेन करते हैं बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ। उनके कॉन्सेप्ट डीपली जब कॉन्सेप्ट उनको क्लियर होते हैं तब उन्हें बड़ा मज़ा आता है। कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो हमारे वैदिक मैथमेटिक्स को लेकर के हैं, तो इस तरह से हम पूरे देश में काम करते हैं और यहाँ भी इस मेले में, गणित के अपूर्व विज्ञान मेला में, अपनी गणित की एक्टिविटियों की साथ सहभागिता करने के लिए बड़ा अच्छा अवसर मिलता है। इस मेले में आते आते 12-14 साल हो गई और मैं इस मेले के आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रतिवर्ष हमें बुलाते हैं हमारा काम देख करके, और हमारे बच्चे जो आते हैं और जो टीचर्स आते हैं, गार्जियन आते हैं, वो इस बात को समझ पाते हैं कि गणित वाकई गणित कठिन नहीं है, गणित तो बहुत सरल है, पर हमारे पास गणित सिखाने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जिससे गणित बच्चों को सरल महसूस होने, अच्छा लगने लगे। तो इस तरह की एक्टिविटी देख के बहुत अच्छा लगता है, टीचर्स यहाँ सीख के जाते हैं, बच्चे भी बहुत सारी गतिविधियाँ लेके जाते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम मानस है, मेरे स्कूल का नाम दुर्गा नगर हाई स्कूल है। हाँ, मेरे बजट का नाम है सीडी का संतुलन बिंदु ढूंढना, और संतुलन बिंदु भी खिसकता है या समझना। उसमें एक सीडी होती है, एक कॉइन और एक स्केच पेन होता है। स्केच पेन से सीडी को बैलेंस करना होता है और एक टास्क देना होता है जिसमें सीडी, स्केच पेन और कॉइन, कॉइन सीडी के एक स्थान पर रख के सीडी को बैलेंस करना पड़ता है स्केच पेन से। ये फर्स्ट ईयर है मेरा, आएगा। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे स्टूडेंट लगा कि बाकी स्कूल के स्टूडेंट भी यह कर सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। धन्यवाद। वो हमें हमारे प्रयोग देते हैं, हमें सिखाते हैं, बहुत अच्छा हमारे सपोर्ट करते हैं और हम यहाँ पे आने के लिए प्रेरित भी करते हैं। मैं उनके लिए बोलूँगा, आप सर बहुत अच्छा काम कर रहे हो और अगले साल भी यह हर साल होना चाहिए और सब बच्चों को आना ही चाहिए यहाँ पे। RBGG हाई स्कूल, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा। आप आमतौर पर हम देखते हैं कि छोटे बच्चे जल्दी गिर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? हम ये प्रयोग के द्वारा देखेंगे। मेरे पास छोटी और बड़ी दो स्केले हैं, मैं इन दोनों स्केलों को एक साथ गिराऊंगी। आइए देखते हैं सबसे पहले कौन सी स्केले गिरती है। सबसे पहले छोटी स्केल गिर गई। बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने इतना अच्छा मेला लगाया, मैं उन्हें थैंक्स बोलना चाहूँगी, और उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है तो मैं उन्हें क्या बोलते हैं शुक्रिया, बहुत सारा शुक्रिया बोलना चाहूँगी। यस, मेरा नाम मधु है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ, मैं RBGG हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। मुझे यह विज्ञान मेला बहुत अच्छा लगा, मेरा फर्स्ट टाइम है और यहाँ मैम सर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं श्रीमती नीलिमा आढ़ाव नागपुर महानगर पालिका के शाला में शिक्षिका हूँ। गत 20 साल से हम इस मेले से जुड़े हैं, अपूर्व विज्ञान मेले से जुड़े हैं, और यहाँ से जो हम प्रयोग हैंड्स ऑन एक्टिविटी के आधार पर प्रयोग देखते हैं और बच्चों को दिखाते हैं, उसी हिसाब से हम हमारे क्लास में भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं या पढ़ाते हैं। उसके कारण बच्चों में बहुत उत्साह आता है, इवन बैक बेंचर्स भी हमारे साथ शामिल होते हैं, और क्योंकि बहुत सरल सीधे तरीके से यहाँ विज्ञान के बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट बताए जाते हैं और हर साल कोई कुछ कुछ नया इसमें ऐड होते जाता है। इस साल हमने क्विज प्रोग्राम भी रखा है और इस साल ऑर्गन्स में भी बदलाव आया है, हम लीवर भी रखने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं नीता गड़ेकर नागपुर महानगर पालिका में विज्ञान शिक्षिका हूँ।
हम लगातार 20 साल से इस अपूर्व विज्ञान मेला से जुड़े हुए हैं। नाम के अनुसार आपने देखा है होगा कि ये विज्ञान मेला मेला है, ना कि साइंस एग्जीबिशन है। मेले की तरह बच्चे खुले मन से इधर घूमते हुए आपको दिखेंगे। साइंस के बड़े बड़े कंसेप्ट बहुत छोटे मटेरियल के साथ बिल्कुल कम शब्दों में समझ जाते हैं। शिक्षक होने के नाते मुझे इसका फ़ायदा ये हुआ कि काफ़ी बड़े कंसेप्ट आसानी से बच्चों को सिखा सकती हूँ। उसके साथ साथ बच्चों को जो अवेलेबल मटेरियल है उसी से ये एक्टिविटीज़ किए गए हैं, न कि कोई चीज़ उन्हें खरीदने के लिए जाना पड़ता है। इससे हमारे महानगर पालिका के बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है और डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। बड़े कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को डेमॉन्स्ट्रेट कर पा रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। दूसरा, बच्चों को मटेरियल ढूंढने में भी उनकी आदत बढ़ गई है। और फाइनली इसका रिजल्ट हमको उनको विज्ञान विषय समझने में, विज्ञान को आसान उनको लगने में हो रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा गुंडमर संजय नगर माध्यमिक शाला की से शिक्षिका हूँ। यहाँ मैं 25 सालों से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पर जो प्रयोग दिखाए जाते हैं बच्चों द्वारा, ये सारे नागपुर महानगर पालिका के बच्चे हैं। और यहाँ जो प्रयोग है उसका बड़े बड़े जो साइंस के प्रिंसिपल है बहुत ही सरल तरीके से समझाए जाते हैं। इसमें बच्चों इस कारण से बच्चों में बहुत उत्साह आता है। और ये जो मेला लगा हुआ है ये प्राकृतिक वातावरण में होने के कारण ये वाकई बच्चों को मेला लगता है। और इसी तरीके से हम लोग स्कूल में भी पढ़ाते हैं। स्कूल में पढ़ाने का ये फ़र्क होता है इस तरीके से कि बच्चे जो आखिरी तक के बच्चे भी क्लास में शामिल होते हैं और घर जाकर भी ये प्रयोग करके देखते हैं। और प्रयोगों का जो सामान होता है वो उसका जुगाड़ जमाने में लगे रहते हैं और अपने घर से सामान लाते हैं और खुद भी प्रयोगों को करके देखते हैं। ये मेला 25 साल से निरंतर चलते आ रहा है। यहाँ माननीय नितिन गडकरी जी ने इस मेले को हर साल वो भेंट देते हैं और ये 25 साल होने के कारण इस साल यहाँ पर 14 राज्यों से लोग आने वाले हैं। बोरकर है, मैं दीनानाथ हाई स्कूल से हूँ। आज हमने यहाँ पे इस विज्ञान अपूर्व मेला में बच्चों को लेके आए। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने लायक है, बच्चों को सीखने लायक है। छोटे छोटे बच्चों ने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट किए जो डेली बेस पे है, जिसको हम लोग तो देखते हैं लेकिन उसके पीछे का साइंस क्या है, ये साइंस हमें इस मेले में देखने को मिला। बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया है ना, बच्चों काफ़ी एंजॉय किया। काफ़ी सारी चीज़ें जो हम लोग डेली, जैसे हम लोग अगर क्लासरूम में जो पढ़ते हैं उससे ज़्यादा हम लोग जो प्रैक्टिकली पढ़ते हैं तो जो नॉलेज हमको मिलता है उसके पीछे के प्रिंसिपल्स हमको पता चलते हैं। तो आज ऐसा जो मेला ऑर्गेनाइज हर साल होते हैं, हमारी स्कूल पूरी विजिट करती है, हमारा जो स्कूल दीनानाथ हाई स्कूल है पूरी तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करता भी है इस जगह पे। और मैं महानगर पालिका को भी, नागपुर महानगर पालिका को भी थैंक्स बोलूँगा इस तरह के ऐसे मेला हो, बाकी काफ़ी सारे जो फंक्शंस है ऐसे अरेंज करते जाए और पूरे बच्चों को और सभी लोगों को मोटिवेट करते रहे। धन्यवाद। अपूर्व विज्ञान मेले का 25वां वर्ष है, रजत जयंती वर्ष। ये अपूर्व विज्ञान मेला 1998 में शुरू हुआ था नागपुर में और तब से लगातार हर वर्ष नागपुर में होते आ रहा है। नागपुर के अलावा देश भर में भी यह नागपुर का अपूर्व विज्ञान मेला जाते रहा है। और योगा योग कि ये देश का 101वां मेला है, नागपुर का 25वां और देश का 101वां। ये मेला का जो उद्देश्य है कि विज्ञान शिक्षा, स्कूली विज्ञान शिक्षा को सरल बनाना, रोचक बनाना और प्रयोग आधारित बनाना, बच्चों के मन से विज्ञान का डर निकालना। हमारा जो घोष वाक्य है वो है आओ करें दोस्ती विज्ञान से, और यही हमारा उद्देश्य है। नागपुर के मेले में नागपुर महानगर पालिका भी हमारे साथ में है और इसमें करीब 100 प्रयोग रखे गए हैं। ये प्रयोगों की विशेषता है कि ये घरेलू सामग्री से बने हुए हैं जिसकी कीमत लगभग शून्य रहती है।
हर कोई ये प्रयोग घरों में करके देख सकता है और ख़ास करके स्कूल में जो शिक्षक हैं, विज्ञान शिक्षक हैं, वो इन प्रयोगों को का उपयोग करके बच्चों को विज्ञान पढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमारे विशेषज्ञों ने 200 से अधिक महानगर पालिका के बच्चों को ट्रेंड किया है और वही बच्चे ये प्रयोग प्रदर्शित कर रहे हैं। क्योंकि ये रजत जयंती वर्ष है, इस वर्ष एक बड़ी साइंस क्विज का भी आयोजन किया गया है जिसमें नागपुर शहर की 32 स्कूलें हिस्सा ले रही है और ये क्विज विज्ञान प्रसार भारत सरकार के सहयोग से उनके साथ मिलकर हो रही है। इसके अलावा रजत जयंती का जो विशेष कार्यक्रम हो रहा है वो 20 नवंबर यानी रविवार को 11 बजे होगा, जिसके प्रमुख अतिथि माननीय नितिन गडकरी जी रहेंगे। इसके अलावा विज्ञान प्रसार के डायरेक्टर श्री नकुल पाराशर और भुवनेश्वर की SOA यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर अमित बैनर्जी, ये दोनों उसके विशेष अतिथि रहेंगे। अब यहाँ एक बात का और उल्लेख करना ज़रूरी है कि ये जो पूरी 25 साल की यात्रा है, इसमें हमने देश भर में 100 से अधिक टीचर्स वर्कशॉप किए हैं, 100 से अधिक बच्चों के भी वर्कशॉप किए हैं। तो जो टीचर्स वर्कशॉप में बड़ी संख्या में जो एक विज्ञान संचारक, साइंस कम्युनिकेटर्स ये तैयार हुए हैं, जो इसी उद्देश्य के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं। तो ऐसे विज्ञान संचारकों में से 14 प्रांत के लगभग 40 संचारकों को यहाँ इनवाइट किया गया है और उन लोगों को गडकरी जी के हस्ते सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ करीब 8 से 10 स्टॉल्स ऐसे लगे हैं जिसमें देश के बड़े वरिष्ठ विज्ञान संचारक लोग आए हुए हैं, बंगाल, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अलग अलग प्रांतों के बहुत सीनियर लोग आए हुए हैं, वो भी यहाँ बच्चों को प्रयोग दिखा रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो इस ढंग से हम लोग ये 25वां साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसके अलावा नुक्कड़ नाटक भी हो रहे हैं, कुछ दिन में 2 दफ़ा यहाँ नुक्कड़ नाटक होते हैं। नहीं, इसमें देखने के लिए तो शहर की हर तरह की स्कूल आती है, आयोजन कॉरपोरेशन की स्कूलों के साथ हो रहा है, बाकी दर्शक में तो सभी स्कूलें हैं। नहीं, हमने जब शुरू किया था तो उसमें काफ़ी प्राइवेट स्कूल्स थी, और लेकिन उसमें थोड़ा सा हमारा एक ये था कि जिन स्कूलों को मौके नहीं मिलते, जिन बच्चों को मौके नहीं मिलते, पिछड़े इलाकों के अल्पसंख्यक लड़कियों की स्कूलों को, तो उनको लेके हमने शुरू किया था। तो वो स्कूलों को जमा करने में थोड़ी दिक्कत जाती थी, तो धीरे धीरे कॉरपोरेशन में इसी तरह के बच्चे रहते हैं, इसलिए अब वो कॉरपोरेशन के साथ हो रहा है। यानी ये खासियत है कि पिछड़ी स्कूलों के बच्चे प्रयोग प्रदर्शित करते हैं, विज्ञान सिखाते हैं, और ऊंची स्कूलों के बच्चे वो देखते हैं, सीखते हैं। ये एक बड़ी विशेषता है इस मेले की।